नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के श्री गंगानगर में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने बीजेपी नेता के साथ हाथापाई की। किसान वहां पर बीजेपी के प्रदर्शन का विरोध कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। मुख्य बाजार में पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां बरसाईं। कई किसानों को चोट भी आई है। अभी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। वहीं किसानों ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। कैलाश मेघवाल के साथ मारपीट भी की गई। उन्हें किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस प्रशासन ने किसानों से कैलाश मेघवाल को छुड़वाया। बता दें, बीजेपी नेता महंगाई और सिंचाई पानी को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पर किसान पहुंचे और जमकर भिड़ंत हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं किसान घायल हुए हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी के कार्यक्रम में मौजूद रहे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। श्री गंगानगर में बीजेपी का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की नाकामी का आलम यह रहा कि असामाजिक तत्वों ने दलित नेता कैलाश मेघवाल पर जानलेवा हमला कर दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं साथ ही कहा, राज्य सरकार बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। कैलाश जी मेघवाल है।